मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने रुड़की क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूमि पूजन कार्यक्रम में कहा कि समर्पण और पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा के बल पर रुड़की में पार्टी कार्यालय का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। मैं इस सफल आयोजन के लिए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री धामी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मरण करते हुए कहा कि जनसंघ के रूप में उन्होंने ऐसी राष्ट्रवादी संगठन की नींव रखी जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल के प्रधानमंत्रित्व काल में ही उत्तराखंड अलग राज्य बना। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर हमारे राष्ट्रपुरुष श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को नमन करता हूं, जिन्होंने जनसंघ के रूप में एक संगठन की नींव रखी जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। मैं इस अवसर पर हमारे प्रेरणापुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानववाद के द्वारा अपनी आदर्श छवि एवं विशिष्ट बौद्धिकता से संपूर्ण विश्व में भारत के गौरव को भी बढ़ाने का काम किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके कारण से हम सब लोगों को उत्तराखंड राज्य मिला, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के गौरव को पुनः प्रशस्त करने के लिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का जो मंत्र दिया है, उसने देश की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने का कार्य किया है। गरीब कल्याण योजनाओं के अंतिम पायदान पर खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने इन सब से उठकर केवल गरीब कल्याण के लिए और अंतिम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए उसके लिए काम किया है। पहले केवल योजनाएं बनाई जाती थी, परंतु अब योजनाएं बनाई भी जाती है और उनको लागू भी किया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम सब लोग भी उनके मार्गदर्शन में उनसे प्रेरणा लेकर यह हमने भी संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी किसी भी योजना का शिलान्यास करते हैं तो उसका लोकार्पण करते हैं, यानी कि जो योजना शुरू करते हैं उस योजना को पूरा कर। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।